हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, जेई एडवांस में जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया हुआ है और काउंसलिंग्स करने वाले हैं जोसा की, तो उनके लिए एक और ऑप्शन कॉलेज का अवेलेबल है जो कि है RGIPT। ये इंस्टीट्यूट आपका जो अमेठी बना हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोलमेंट लेते हैं और इसमें काफ़ी सारे वेरियस प्रोग्राम्स भी हैं, एडवांटेजेस हैं इस इंस्टीट्यूट के रहने के बहुत सारे। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका सीट मैट्रिक्स क्या रहता है, इसमें एडवांटेजेस क्या हैं एडमिशन अगर आप लेते हैं तो, और इसमें कट ऑफ कितना जाता है, कितने जेई एडवांस तक के बच्चे यहाँ पर जा सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग देख लेते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। कॉलेज ब्लॉग बनाने का हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लिया था, लेकिन बट हम जा नहीं पाए, तो हम आपको यहीं पे वीडियो के माध्यम से पूरा कैंपस भी दिखाएंगे कि किस तरीके का कैंपस है और यहाँ पे हॉस्टल कैसे ही, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। RGIPT अमेठी इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसमें प्रोग्राम्स की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, पेट्रोलियम, जियो साइंस जैसी ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये आपका 79th बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज रैंक किया गया है। इंडिया रैंकिंग जो आपकी है NIRF रैंकिंग, उसमें आपका 79th पोजिशन पर रैंक किया गया है। तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसमें हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं वो देखते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो ओपनिंग डेट है आपकी, 5 जून आपका ओपनिंग डेट है, और लास्ट डेट जो रिसीव करने की फर्स्ट राउंड की है वो आपकी 4th of July आपकी लास्ट डेट है। तो इसमें जो लिस्ट आपकी डिक्लेयर होगी, स्टूडेंट जो सेलेक्ट किए गए हैं, वो आपकी 6 जुलाई को लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। और आपको अगर कोई इसमें ब्रांच मिल जाती है तो आपको सीट ब्लॉक करनी होगी, जिसके लिए आपको 30,000 रुपीज़ पे करना होगा। वो आपकी 10 जुलाई तक आपकी डेट रहेगी। अब आपका जो लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस है, जो रिमेनिंग फीस है इंस्टीट्यूट की, वो आपको 15 जुलाई तक पे कर देनी है फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए। अगर आप सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन में अप्लाई कर लें तो लास्ट डेट जो रहेगी 16th जुलाई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। इसमें 18 जुलाई को आपका लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, एंड सीट ब्लॉक करने के लिए आपको 22 जुलाई तक का टाइम मिलेगा, एंड बैलेंस फी पे करने के लिए 27 जुलाई तक आपको टाइम मिलेगा। अब हम बात करें रिपोर्टिंग एट कैंपस की, तो रिपोर्टिंग आपको 4th of August को आपको रिपोर्टिंग करनी है इंस्टीट्यूट में। तो ये बच्चों, ये आपका डेट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपको अप्लाई करने के लिए। आपका ओरिएंटेशन 5 से 6 अगस्त को शुरू भी हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इस इंस्टीट्यूट के फॉर्म को और वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये डेट को फॉलो करते हुए आप इसमें अप्लाई करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट से, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट भी है, और आपको इसमें एडमिशन इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो और कहीं आपको ब्रांचेज भी नहीं मिलेंगी। तो RGIPT के बारे में अगर आप देखें, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करते हैं, बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अप्लाइड पेट्रोलियम जियोसाइंस, जियोसाइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे है 4%, 30% लमसम यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ जितनी भी ब्रांचेज है उसमें अवेलेबिलिटी देखें तो इसमें 3% तक 4% तक ये वाली ब्रांचेस रहती हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें 10% में, तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और 9% में भी आपकी देखें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल ई व्हीकल है, IT ब्रांच है, तो ये आपकी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें जो एडवांटेजेस हैं इस इंस्टीट्यूट में जाने के, क्या एडवांटेजेस हैं RGIPT में। मॉड्यूलर कोर्सेज चलते हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के द्वारा चलाए जाते हैं, और ये स्पेशलाइजेशन आपको मिल सकती है। दैट मींस अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई भी करते हैं तो आप एक तरीके से आप प्रिपेयर्ड होंगे, रेडी रहेंगे उस कंपनी के को ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, कहीं कोर्स सीखना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं पर मिल जाएगा सब कुछ। फ्लेक्सिबल करिकुलम है, ठीक है, और आपका स्ट्रीम्स की यहाँ मतलब यहाँ पे जितने भी ब्रांचेज हैं, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको मिल पाएगी किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच में। देन आपके यहाँ माइनर प्रोग्राम्स भी चलते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। देन आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी आपकी यहाँ पे रहती है, और आपको यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट जैसे बनता है जिसमें कि टीम वर्क ज़रूरी है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक्सटेंडेड इंटर्नशिप आप कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे। डिज़ाइन एंड इनोवेशन सेंटर है यहाँ पे, तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योर यहाँ पे स्किल्स सिखाई, ये सब आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। तो और किसी इंस्टीट्यूट में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है जितने एडवांटेजेस हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है। एडमिशन जो है आपका जेई एडवांस के बेसिस में रहने वाला है। मिनिमम 60% आपको एग्रीगेट चाहिए 12th में, और आपका 55% SC ST वाले बच्चों के लिए चाहिए, एंड आपका जेई एडवांस क्लियर होना चाहिए। और अगर आपकी सीट लेफ्ट वैकेंट हो जाती है
तो उस कंडीशन में वैकेंट सीट पे भी वैकेंट सीट्स पर आपको जेई मेंस की रैंक के द्वारा मिल सकता है। यहाँ पे एडमिशन साफ साफ लिखा हुआ है, बट आपको जेई एडवांस पे ही पहले तो फोकस करना है। अगर रैंक है जेई एडवांस में तो आप अप्लाई करिए यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉरेन स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे सीट्स रहती हैं, एलिजिबल रहते हैं वो भी, और 60% उनको ट्वेल्थ में चाहिए रहता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इंडिया स्टडी वेबसाइट यहाँ पे जाके। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एडमिशन्स के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 60% ही यहाँ पे बोली गई है। अब हम बात करें फॉर्म की फ़ीस की, तो 600 फॉर्म का फीस है और आपका टैक्सेस लग 108 रुपीज़ का टैक्स लग जाता है यहाँ पे। और जितने भी स्टूडेंट्स एस सी एस टी के हैं उनके लिए, एंड 1200 रुपये का फॉर्म है, 216 रुपये आपका टैक्स लग रहा है जो कि अदर स्टूडेंट्स है, मतलब जनरल कैटेगरी वाले। तो जनरल कैटेगरी के वालों के लिए ये 1200 रुपये का फॉर्म हो गया, और एस सी एस टी और रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए 600 रुपये का फॉर्म है ये। नेक्स्ट हम लोग देखें हमारी सीट मैट्रिक्स, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या रहती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम देखें टोटल सीट्स यहाँ पे जो अवेलेबल है वो 580 टोटल सीट्स हैं। 580 टोटल सीट्स में अगर हम लोग बाइफरकेट करें कि किस में कितनी ज़्यादा सीट्स हैं, तो हम देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हमारी यहाँ पे 60 सीट्स अवेलेबल हैं ऑल जो हमारी। और अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कितनी सीट्स जा रही हैं, बट हम अभी ओवरऑल देख लेते हैं। फिर 60 आपकी कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर डिज़ाइन में 50 आपकी सीट्स हैं, लमसम एवरेज माने तो 50 इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में भी सीट्स मौजूद हैं, जियो साइंस में आपकी 20 सीट्स हैं, आई टी में 50। तो मेन अगर हम ब्रांचेस देखें CS, IT और आपकी इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे आपकी 50-50 सीट्स अवेलेबल है। पेट्रोलियम की 60 सीटें हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की भी 60 सीटें हैं, 60 सीट्स, एंड पेट्रोलियम अप्लाइड जियो साइंस की आपकी यहाँ 20 सीट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे 40 सीट्स हैं। ऐसे कुल मिला के यहाँ पे 580 सीट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्म। सीट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं और इसमें आपको एंड तक कॉलेज भी मिलने का पूरा चांसेस रहता है। अब हम लोग बात करें अगर रिजर्वेशन की भी, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 40.5% सीट्स हैं, EWS की 10%, OBC की 27%, SC की 15%, ST 7.5%, एंड बाकी जो सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए अवेलेबल हैं, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे लमसम 94 सीट्स गर्ल्स के लिए अलग से यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम लोग देखें कि सीट का, ये यहाँ पे सीट हम ले तो लेते हैं लेकिन फीस क्या जाती है टोटल हमारी, तो जनरल के लिए अभी मैंने सीट ब्लॉकिंग फीस बताई थी 30,000, तो वो तो यहाँ पे मेंशन की गई है। बाकी रिमेनिंग फीस आपकी क्या जाने वाली है, जनरल OBC के लिए यहाँ पे 1,13,000 जाने वाली है, और आपकी SC ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 88,300 फीस यहाँ जाने वाली है। जो IDD प्रोग्राम अभी कंप्यूटर साइंस का भी हमने बताया था, तो उसमें 1,14,000 फीस है और 89,000 फीस है यहाँ पे SC ST के लिए। तो टोटल फीस हम लोग देख सकते हैं जनरल के लिए यहाँ पे 1,28,300 यहाँ पे फीस बन रही है, और आपकी SC ST वालों के लिए 1,03,300 फीस ये बन रही है आपकी। मेस की फीस की बात करें पर सेमेस्टर 20,000, एंड जितने भी माइनर प्रोग्राम्स यहाँ पे जो चलते हैं जो थर्ड सेमेस्टर से चलेंगे, उसके लिए आपको पर सेमेस्टर यहाँ पे 10,000 फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। जो अभी मैंने एडवांटेजेस में बताया था, इसके बारे में जिक्र किया था, उसी के बारे में ये मैं बता रही हूँ। इसके लिए 10,000 अलग से आपको पे करने रहेंगे। हम लोग बात करें फॉरेन स्टूडेंट्स की, तो उनका 1,000 रुपीज़ US डॉलर यहाँ पे जाने वाला है सेमेस्टर फीस, दैट 1,000 US डॉलर, एंड जो आपकी लैक्स में अगर हम लोग बात करें तो प्लस 1,43,300 आपकी फीस यहाँ पे जाने वाली है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और पर सेमेस्टर आपकी 1,28,000 जाने वाली है। तो बच्चों ये आपकी फीस हो गई फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, और 5 ईयर IDD प्रोग्राम की भी हम लोग जो बात करें तो उसमें भी यही सिमिलर फीस है, उसमें कोई अंतर नहीं, वही सिमिलर फीस आपकी इसमें भी जाएगी। अब हम लोग बात करें कि अगर हमने यहाँ एडमिशन ले लिया, हमने सीट ब्लॉक कर ली है, लेकिन अगर हमें कहीं और भी कोई कॉलेज मिल जाता है, IIT अलॉट हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे विड्रॉवल ले सकते हैं 5 अगस्त से पहले पहले, विड्रॉवल बिफोर द रजिस्ट्रेशन डेट दैट इज August 5 आप यहाँ पे ले सकते हैं। अमाउंट रिफंड जो होगा वो 1,13,000 रिफंड हो जाएगा, और आपका IDD प्रोग्राम के लिए 1,14,000 रिफंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और तो 30,000 आपने ब्लॉकिंग अमाउंट दिया है वो डिडक्ट हो जाएगा, ये भी लिखा हुआ है साफ साफ, शैल बी डिडक्टेड, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, प्लेसमेंट जाना तो बहुत ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ किसी कॉलेज को देखने के लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी यहाँ पे कंपनीज़ आई हुई हैं, ऑलमोस्ट 19 कंपनीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है। किसी का जैसे JSW ने यहाँ पे 11 बच्चों को हायर किया है, HPCL ने, मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने 11 स्टूडेंट्स को यहाँ हायर किया हुआ है, हायर स्टडी इन अब्रॉड के लिए 4 स्टूडेंट्स हैं,
और आपका आकाश बाईजू ने भी 4 स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट दी है, इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी 4 स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट दी है। तो प्लेसमेंट देखें तो काफ़ी कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। टोटल कैंडिडेट की देखें यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें CTC जो गए हैं वो 95% तक की यहाँ पे परसेंटेज तक की यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग और प्लेसमेंट देखें तो ONGC ने भी 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से जो बच्चे गए हुए हैं 2019 और 23 बैच में अभी जो पास आउट हुए हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से, ONGC, टॉरेंट, ग्रोथ इंडिया, लैटेंट व्यू, देन इंडियन ऑयल, आकाश, LNT ऐसी कंपनीज, एलियंस ग्रुप, ये सब कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं और बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट मिल चुका है काफ़ी अच्छा। अब हम लोग देखें कट ऑफ के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कट ऑफ जानना JEE एडवांस का। तो केमिकल इंजीनियरिंग में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले ये क्लोजिंग रैंक जनरल की गई है 22,980 आपकी, EWS में 25,000 तक क्लोजिंग रैंक गई है और OBC में 28,000 तक क्लोजिंग रैंक गई है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए RGIPT में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखें अगर कैटेगरी रैंक देखना चाहते हो तो EWS की कैटेगरी रैंक 3,844 एंड OBC की 7,714 गई हुई है। देन हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस की तो ये 14,894 तक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस यहाँ पे अलॉट हुई है, EWS में 16,000 तक अलॉट हुई है और OBC में 21,000 तक ये अलॉटमेंट गई हुई है। हम लोग बात करें बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 22,000 तक अलॉट हुई है, 26,000 तक यहाँ पे EWS में, 27,000 रैंक तक OBC कैटेगरी में अलॉट हुई है। तो अभी हम कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहे, लिखा हुआ नीचे कैटेगरी रैंक, लेकिन अभी हम CRL बता रहे हैं एडवांस का CRL। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 20,000 तक क्लोजिंग गई है, 24,000 तक EWS में गई है, 26,000 तक आपकी यहाँ OBC में गई हुई है। जियो साइंस की बात करें तो 23,000 तक आपकी जनरल कैटेगरी में गई है, 27,000 तक क्लोजिंग रैंक आपकी EWS में गई हुई है रैंक, और कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो आपकी EWS में आपकी 4,094 तक आपको मिला हुआ है और 8,000 तक आपको OBC में मिला हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हो जियो साइंस जैसी ब्रांच 8,000 कैटेगरी रैंक तक में, एडवांस की कैटेगरी रैंक तक में भी बच्चों को OBC में मिला हुआ है। IT की बात करें तो 19,000 तक IT गई है। कुल मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो आपकी जियो साइंस 23 तक मिल गई है कुल मिला के। तो बच्चों इसमें आप अप्लाई करेंगे JEE एडवांस की रैंक से तो आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक पर आपको यहाँ पर कोई ना कोई ब्रांचेज मिलने का ज़रूर रहेगा वैल्यू यहाँ पे आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जो कि मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच है यहाँ पे, उस वर्ष का आपका 21,000 तक यहाँ पे गया है कट ऑफ क्लोजिंग रैंक। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन का 19,000 तक गई है क्लोजिंग रैंक। देन IDD प्रोग्राम जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका 19,000 तक क्लोजिंग रैंक गई है। रीन्यूएबल एनर्जी के लिए आपकी 23,000 तक क्लोजिंग रैंक गई हुई है। EWS में देखें पेट्रोलियम की 24,000 तक गई है और OBC में 27,000 तक गई हुई है। देन कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन की 20,000 तक गई EWS में एंड 25,000 तक गई है OBC में। और रीन्यूएबल एनर्जी की देख लेते हैं चलिए, उसमें हमारी 27,000 तक गई है EWS में और 28,000 तक क्लोजिंग रैंक गई है OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रैंक तक में चांसेस रहता है हमें यहाँ पे, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं लमसम तो उसमें आपका एडवांटेज क्या रहता है। कैंपस का व्यू अगर लेना चाहते हैं बच्चों तो इस तरीके का कैंपस बना हुआ है, ऊपर से आप ही देख सकते हो इस तरीके का कैंपस है और फ्रंट यहाँ से इस तरीके का गया हुआ है। तो आपको कैंपस व्यू भी हम दिखा दिए हैं और यहाँ पे आपका मेन गेट इस तरीके से बना हुआ है, ये टॉप व्यू है, यहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह दिख रहा है और इस तरीके से कैंपस अंदर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कोशिश रहती कि कॉलेज में जाके आपको व्लॉग बना के दे पाते बट हम कर नहीं पाए, हम आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से ही पूरा यहाँ पे। हॉस्टल एंड मेस की बात करें तो इस तरीके का यहाँ पे हॉस्टल है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉरिडोर है हॉस्टल का और ये आपकी यहाँ पे मेस बनी हुई है, इस तरीके का मेस है यहाँ पे। और लमसम 250 स्टूडेंट्स की फैसिलिटी यहाँ पे, सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल में 250 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और बॉयज़ हॉस्टल में 1200 बच्चों की फैसिलिटी है यहाँ पे, 1200 बॉयज़ के लिए और 250 गर्ल्स के लिए यहाँ पे कैपेसिटी है। इस तरीके का आप देख सकते हो रूम्स वगैरह हैं, ये सब आप क्लासरूम देख सकते हो, ये क्लासरूम है यहाँ पे, इस तरीके का से आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी मेस है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का इंस्टीट्यूट है आपका, ये काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स एंड फेस्ट वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स बने रहते हैं। यहाँ पे भी आपके जो चीफ गेस्ट थे पद्मश्री प्रोफेसर GD यादव जी सर यहाँ पे आए थे एज अ चीफ गेस्ट,
तो पद्मश्री अवार्डी है, तो काफी अच्छे यहाँ पे फेस्ट रहता है और कल्चरल फेस्ट भी होता है। तो बच्चों आपको आरजी आईपीटी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन लेनी थी आई होप आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। पूरा डिटेल में हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया है कैंपस के बारे में भी और आपकी फीस क्या रहती है और कट ऑफ क्या जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उनको डिटेल्स इस कॉलेज के बारे में पता चल सके। और भी कुछ आपको जानना है तो प्लीज़ डू कमेंट, आपको कुछ नहीं करना है कमेंट करिए, और आप मेल्स भी कर सकते हैं द मिंटा में। काउंसलिंग के लिए जितनी भी हेल्प हो सकती है वो सब हम आपके लिए कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।